गुड इवनिंग आज एक नए फीचर के रिकार्ड में हम डिटेल में बात करेंगे फीचर का नाम क्या है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर मैं ये कह सकता हूं बी टू बी ईमेल फैसिलिटी बाय द जीएसटी पोर्टल इन ए वेरी रिफाइंड एंड फिल्टर्ड मैनर क्या है वन बाय वन बात करते हैं यह ऑप्शन आपको कहां दिखाई देगा सर्विसेज में अगर आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे तो वहां पे लास्ट ऑप्शन आएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर जैसे ही मैं कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर सेलेक्ट करता हूं तो क्या आएगा यहां पे आपको लेफ्ट साइड में इनबॉक्स कंपोज आउटबॉक्स और डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट है कहने का मतलब क्या है ये सिमिलर टू ईमेल है जहां पे मुझे अगर नया कम्युनिकेशन करना है मैं कंपोज पे क्लिक करूंगा आए हुए कम्युनिकेशन को मुझे अगर दे, देखना है तो मैं इनबॉक्स पर क्लिक करूंगा और अगर मैंने किसी को भेजा है नया नोटिफिकेशन या कोई रिप्लाई तो मुझे यहां पे आउटबॉक्स में दिखाई देगा और अगर मैं अपना डाउनलोड करना चाहूं सीएसवी टेम्पलेट सो आई कैन डाउनलोड ऑल्सो क्लियर इनबॉक्स कंपोज आउटबॉक्स एंड डाउनलोड वन बाय वन बात करते हैं सबसे पहले कंपोज के रिगार्डिंग बात करते हैं मुझे नोटिफिकेशन किसको भेजना है सप्लायर को या रिसीपेंट को दैट आई नीड टू सेलेक्ट अब मैं एक जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं मैंने जीएसटी नंबर एंटर किया ऑटोमेटिकली नाम अपेयर हो गया सब्जेक्ट में कुछ भी डाल सकता हूं मैं एक बार टेस्ट बेसिस पे डाल रहा हूं ताकि कोई फर्दर एक्शन क्रिएट नहीं हो यहां पे मैं अपना सब्जेक्ट मैक्सिमम 50 कैरेक्टर डाल सकता हूं सब्जेक्ट ऑप्शनल है रिसिपियंट जीएसटी नंबर और द नोटिफिकेशन टू दैट बोथ ड्रॉप डाउन आर मैंडेटरी इन द नेचर अब यहां पे देखिए अब चूंकि रिसिपियंट है तो इसने फिल्टर कर दिया यहां पे आपको सिर्फ पेमेंट नॉट रिसीव्ड आ रहा है करेक्ट या अदर्स अगर है तो आप अब अगर मैं यहां पे सप्लायर सेलेक्ट करता हूं यहां पे ड्रॉप डाउन में लिस्ट में चेंज हो गया क्या क्या आ रहा है फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट

ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 200 कैरेक्टर यहाँ पे मुझे डालना जरूरी है एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा उसके बाद में मैं क्लिक करूंगा सेंड पर सेंड पर क्या होगा ईमेल एंड एसएमएस इंटीमेशन सेल बी सेंट टू द काउंटर पार्टी ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर उन्हें इमीडिएट मालूम चल जाएगा कि कोई इंटिमेशन किसी टैक्स पेयर ने किया है आइदर ही इज द सप्लायर और ही इज द रेसिपिएंट So, अभी मैंने एक कम्युनिकेशन मैंने भेजा है एक बार देखते हैं टू सप्लायर में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने मतलब आउटबॉक्स में आ रहा होगा सप्लायर को भेजा है ये मेरे सप्लायर हैं इनको मैंने भेजा है एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है सिंपल मैसेज मैंने भेजा है जस्ट फॉर ट्रायल परपज अब जैसे ही वो रिप्लाई करेंगे वो रिप्लाई मेरे को कहां पे दिखाई दे रही होगी यहाँ पे इनबॉक्स में फ्रॉम सप्लायर मुझे रिप्लाई रिसीव के टैब में दिखाई देगा और अगर कोई नया फ्रेश फ्रेशमेशन है तो यहां है आउटबॉक्स में आपने जिसको भेजा है सप्लायर को रिसीपेंट को वो कैटेगरी है जब उनसे कोई रिसीव आएगी जिन, जब उनसे कोई रिप्लाई रिसीव होगी तो दैट विल बी अपियर इन द रिप्लाई सेंट नाउ लास्ट पॉइंट दैट यू कैन डाउनलोड दिस कम्युनिकेशन ऑल्सो जैसे मैंने सीएसवी पे क्लिक किया डाउनलोड तो यह सीएसवी डाउनलोड हो गया एक बार देख लेते हैं, ये कैसा अपेयर होता है सो यू कैन सी दैट Following, जो भी टैब आ रहे थे जो भी हेडिंग आ रही थी वो सारी heading आ जाएगी और जो भी हमारे कम्युनिकेशन होंगे वो सारे पे आ जाएंगे। और डेट वैल्यू पीओ एस इनवॉइस टाइप आरसीएम रेट इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी है सीजीएसटी एस जी एस वैल्यू एटसेट्रा ऑल द डिटेल विल कम आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बट दिस इज ए वेरी गुड फीचर वी शुड से दैट इट शुड बी यूज बाई एवरी वन ताकि क्या होगा हमारे पास में जीएसटी पोर्टल में कम्युनिकेशन का वे लिखा हुआ रहेगा अगर मान लो कोई किसी सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किया तो आप यहां पे रिमाइंडर भेजिए सो दैट दैट इट मे हेल्प एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन आई होप इट्स क्लियर थैंक यू वेरी मच